नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए संपूर्ण CDP ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने में सफिशियंट होगी CDP विषय को लेकर के। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी CDP पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को बनाते हुए ये ध्यान में रखा गया है कि आपका कम समय में पूरा का पूरा टॉपिक जो भी आपके UPTET में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, सारे के सारे कवर कर लिए गए हैं दोस्तों। तो बिना समय गवाए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें 30 नंबर आपकी मुट्ठी में। 5 यूनिट में CDP का जो सिलेबस होता है वो 5 यूनिट में पढ़ाया जाता है। एक एक यूनिट को धीरे धीरे समझते हैं दोस्तों। पहला आपका जो टॉपिक है वह आपका है वृद्धि एवं अभिवृद्धि। पहला जो आपका टॉपिक है वो वृद्धि एवं अभिवृद्धि है। वृद्धि एवं अभिवृद्धि होता क्या दोस्तों? इसका संबंध शारीरिक विकास से होता है। तो जब शारीरिक वृद्धि से विकास होगा तो निश्चित आयु तक के बाद इसमें विकास जो होता है वो रुक जाता है। तो वृद्धि एवं अभिवृद्धि निश्चित आयु तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती है। वहीं दोस्तों, यदि मैं विकास की बात करूं तो विकास गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास जो है वो बहुआयामी है। जीवन पर्यंत तक चलने से तात्पर्य ये है जब कोई बालक जन्म लेता है या गर्भावस्था में होता तब से लेकर के उसके, यदि मैं बात करूं किसी बालक के संदर्भ में, तो बालक जब जन्म लेता है तो गर्भावस्था से लेकर के उसमें जो विकास होते हैं वो जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं, चाहे चारित्रिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो, आपके नैतिक विकास हो, सारे विकास जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप यदि प्रश्न में आ जाए तो आप लगा देना, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, सामाजिकरण। सामाजिकरण दोस्तों, शैशवावस्था में सामाजिकरण परिवार के द्वारा होता है, बाल्यावस्था में सामाजिकरण विद्यालय के द्वारा होता है। वहीं दोस्तों, मैं बात करूं किशोरावस्था में जो सामाजिकरण होता है वह आपका धर्म, व्यवसाय और मीडिया के आधार पर होता है। दोस्तों, इसमें जो छूट गया लिखने को वो आप लिख लीजिएगा कहीं पर, इससे बाहर पेपर नहीं जाता है। प्रत्येक बार एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? निरंतरता का सिद्धांत है, अभी भी बताया जीवन पर्यंत तक चलता रहता विकास। एक रूपता का सिद्धांत है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। दो, ये कहा जाता है दो बालक प्रत्येक अपने अपने में भिन्न होते हैं, अनुवांशिकता के कारण, वातावरण के कारण प्रत्येक बालक अपने में भिन्न और विशिष्ट होता है। इस तरीके से आपका बाल विकास का सिद्धांत होते हैं। वहीं मैं बात करूं वातावरण के नियम को लेकर के, तो वातावरण के नियम दोस्तों प्रत्यागमन का नियम, भिन्नता का नियम, समानता का नियम, ये आपके वातावरण के नियम होते हैं। वातावरण नहीं, वंशानुक्रम के नियम होते हैं दोस्तों। ये मिसप्रिंट है, वंशानुक्रम के नियम है ये जो नियम है ये वंशानुक्रम के नियम है, वातावरण के नियम नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं जिन प्याजे को लेकर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कोई अभी तक पेपर नहीं गया है जिसमें ये जिन प्याजे टॉपिक ना आया। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इनको पाइजेट के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई दोस्तों इन्होंने? इंद्रिय गामक अवस्था इन्होंने बताई है, इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि दोस्तों जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है ये, जन्म से 2 वर्ष की। फिर आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आपकी थर्ड आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर आपकी फोर्थ आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये दोस्तों 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ये आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष, और ये आपकी 11 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, संज्ञानात्मक विकास पर बात की। इनका दोस्तों किससे संबंध नहीं है? इन्होंने भाषा, समाज के बारे में चर्चा नहीं की, के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की। ये आपके एग्जाम में आ जाए, के बारे में चर्चा नहीं की अपने सिद्धांत में।
इन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा समाज के बारे में चर्चा नहीं की, अपने सिद्धांत में। ये आपको पॉइंट्स याद रखने। स्कीमा दोस्तों क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लो, पेपर में आते हैं सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स। दोस्तों स्कीमा होती है मानसिक संरचना, मानसिक संरचना का बनना और बिगड़ना। दोस्तों जब बालक जन्म से 2 वर्ष का होता है तो उसकी जो स्कीमा है वो बनती बिगड़ती रहती है। इस स्थिति में आकर उसकी स्कीमा स्थिर होने लगती है। 18 माह का बालक स्कीमा को प्रदर्शित करने लगता है, 18 माह के बाद इसकी स्कीमा जो है वो बनने लगती है। 3 से 4 वर्ष का बालक सामाजिकता का वर्णन करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है सामाजिकता को। अब बात करते हैं दोस्तों लेव वाइगोत्स्की को लेकर के। लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास जिन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बच्चे को आधारभूत सहायता समाज प्रदान करे तो बच्चे का विकास हो जाएगा। इसी को दोस्तों इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग लिख के आ जाए और चाहे आपका आधारभूत लिख के आ जाए, बात एक ही है दोस्तों। ये आपके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों मलाई छान के लाए हैं। एक तरीके से देखा जाए क्रीम क्रीम आपको मिल रही है, तो क्रीम दोस्तों जब मिलती है तो पूरा देख लो इसको, इससे बाहर पेपर कभी नहीं आया है, अभी भी नहीं आएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई, उत्तर अवस्था, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। परंपरागत दोस्तों यदि मैं बात करूं तो इसमें बालक अनुकरण के द्वारा नैतिकता सीखता है। पूर्व परंपरागत में दोस्तों ये होता है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की के आधार पर बालक नैतिकता को सीखता है। और दोस्तों जब उत्तर परंपरागत आता है दोस्तों अवस्था बालक की, तो दोस्तों ये चिंतन करके सीखता है, सार्वभौमिक सत्य को मानता है। ये जब नैतिकता ऐसे नहीं मानेगा कि किसी ने कह दिया ये नैतिक है तो वो नैतिक चरण मान ले, वो जब मानेगा जब वो चिंतन कर लेगा। तो नैतिकता के 3 सोपान लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताए हैं, परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। वहीं अगर मैं बात करूं नाम चौमास्की को लेकर के, तो नाम चौमास्की ने भाषा विकास का सिद्धांत बताया है। नाम चौमास्की का ऐसा कहना था कि बालक की खुद की स्वयं की अर्जित भाषा होती है, स्वयं की अर्जित भाषा होती है। किसका मानना था? नाम चौमास्की का मानना था। बालक जन्मजात भाषा लेके आता है, ये नाम चौमास्की का मानना था। अब बात करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा और आपको बता दें, सीएच हेल जो इसमें नहीं लिखा है उसको थोड़ा टच कर लो ताकि एग्जाम में आ जाए, फिर गलत मत करके आना, है ना। तो सीएच हेल ने पुनर्वलन सबलीकरण का सिद्धांत दिया। सीएच हेल का कहना था कि दोस्तों पुनर्वलन यदि किसी बालक को बाह्य उद्दीपक प्रदान किया जाए तो उसके सीखने की गति में बढ़ावा आएगा, ये मनोवैज्ञानिक सीएच हेल कहते हैं। वहीं दोस्तों वाल्टर्स और वंडूरा की बात करें तो मनोवैज्ञानिक वाल्टर्स और वंडूरा जो कि कनाडा के रहने वाले थे, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। सामाजिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वाल्टर्स और वंडूरा ने। अब दोस्तों आपको लेके चलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था पर। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था दोस्तों वह शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें बालक को केंद्र में रख करके दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। वहीं दोस्तों समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्या होती है कि निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा निश्चित समय में निश्चित विद्यालय में एक ही अध्यापक के द्वारा दी जाने वाली सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक ही साथ दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो अधिगम अक्षम बालक हो, चाहे उसमें निकट दृष्टि दोष हो, दूरदृष्टि दोष हो, यानी कि कई तरीके के विशिष्ट बालक को सामान्य कक्षा में बैठा करके उनकी जो आधारभूत समस्याएं हैं उनको दूर करके दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था की। इसको विद्यालयी लैब के नाम से भी जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने इनको दिया दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था को किसने दिया? मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी जी ने दिया है दोस्तों। इस तरीके से आपको प्रगतिशील बाल केंद्रित समावेशी शिक्षा से 5 नंबर का आना ही आना तय है। प्रतिभाशाली बालक दोस्तों कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालक
वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, जो सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं, जो कक्षा के प्रथम टॉप में आते हैं, प्रथम आते हैं, जो विद्यालय माहौल में अग्रणी प्रतिभा का प्रदर्शित करते हैं, वह आपके प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वहीं दोस्तों मंद बुद्धि बालक कौन से बालक होते हैं कि वे बालक जो जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम हो वह मंद बुद्धि बालक कहलाएंगे। दोस्तों मंद बुद्धि बालक किस तरीके से हो सकते हैं, यदि किसी माँ को गर्भावस्था में पोषण सही से ना मिला हो तो मंद बुद्धि बालक हो सकता है, या उसके जन्म के समय चोट लग गई हो उसके मस्तिष्क में, या किसी तरीके का विकार हो उसके मस्तिष्क में, तो इस तरीके से मंद बुद्धि बालक होता है। वहीं दोस्तों इनमें बात करूं सृजनात्मक बालक को लेकर के, तो सृजनात्मक बालक वह बालक होता है जो एक समस्या का हल कई प्रकार से करता है, उसे समस्या सृजनात्मक बालक कहते हैं। अब सृजनात्मक बालक चिंतन कैसा करेगा, अभी मैं आपको बताता हूं। चिंतन में दोस्तों चिंतन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अभिसारी और अपसारी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिसारी चिंतन क्या होता है दोस्तों, अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जो एक समस्या का हल एक ही प्रकार से यदि कोई बालक कर पाता है तो उसे अभिसारी चिंतन वाला बालक कहते हैं। वहीं दोस्तों यदि कोई बालक एक समस्या का हल कई प्रकार से करता है तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। सृजनात्मक बालक एक समस्या का हल कई प्रकार से करता है तो उसे कहेंगे अपसारी चिंतन वाला बालक। प्रतिभाशाली बालक एक समस्या का हल एक प्रकार से करता है तो उसे कहेंगे अभिसारी बालक, अभिसारी चिंतन वाला बालक। सृजनात्मक बालक दोस्तों, सृजनात्मक बालक में दोस्तों बुद्धि लब्धि से कोई भी संबंध नहीं होता है। वहीं दोस्तों प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि, प्रतिभाशाली 120 प्लस और मंद बुद्धि की 90 से कम। अब बात करते हैं दोस्तों अधिगम सिद्धांत से, आना तय है यहां से क्वेश्चन आना तय है। पावलोव का सिद्धांत दोस्तों, जो मैं और बोलूंगा भी आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना, इस पे लिखा नहीं है स्लाइड पर, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए ये गागर में सागर भरने वाली CDP लाए थे, इसलिए दोस्तों बहुत कम लिखा है, थोड़ा जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए, पेपर में वहां से भी बन जाता है कि पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या तो आपसे इस नाम से पूछा जाएगा, या आपसे इस नाम से पूछा जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या आपसे पूछा जाएगा व्यवहारवाद का सिद्धांत, या आपसे पूछा जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, या आपसे पूछा जाएगा प्रतिवादी सिद्धांत, या आपसे पूछा जाएगा चिर सम्मत का सिद्धांत। तो सब दोस्तों ये सब एक ही है, पावलोव के सिद्धांत ही है ये, जितने मैंने नामों से लिया है, अलग अलग नामों से अलग अलग बार पेपरों में एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों कुत्ता के ऊपर बात की गई, इसमें कुत्ता को रोटी खिलाने से जो उद्दीपन अनुक्रिया होती है, स्वतः जो कृत्रिम उद्दीपक होता है, जो स्वतः उद्दीपक होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो कुत्ता के ऊपर प्रयोग किया है पावलोव ने, सिद्धांत मैंने बता दिया किस किस नाम से पूछा जा सकता है आपसे। वही दोस्तों स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है दोस्तों, वह स्किनर ने चूहा पर किया था, भूखे चूहे पर किया था। वही दोस्तों मैं बात करूं, इसको भी कई नाम से आपके एग्जाम में पूछा गया है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, संक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्त अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कोहलर को लेकर के, तो कोहलर का अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत, तीन नामों से इसको भी पूछा जा सकता है, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो दोस्तों गेस्टाल्टवादी में बर्दिमर, कोअप्पा और कोहलर, तीन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर, कोअप्पा और आपका बर्दिमर। इन्होंने चिंपैंजी सुल्तान पर क्या किया था दोस्तों, परीक्षण किया था अधिगम का। वहीं अगर मैं बात करूं थांडाइक को लेकर के, तो थांडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थांडाइक ने दिया है, इसको दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। साथ ही साथ इसको दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते थे पावलोव को, और थांडाइक को कहेंगे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक कहेंगे थांडाइक को, अनुकूलित कहेंगे पावलोव को। वहीं दोस्तों संबंधवाद का सिद्धांत भी थांडाइक के सिद्धांत को कहा जाता है।
अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षण विधियों को लेकर के। शिक्षण विधियां आगमन एवं निगमन विधि, अरस्तु ने दी, प्रोजेक्ट विधि, किल पैट्रिक ने दी, डाल्टन विधि, हेलन पर्क हस्ट ने दी, किंडरगार्टन विधि, फ्रॉवेल ने दी, मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी ने दी। वहीं दोस्तों यदि मैं बात करूं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, तो सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है दोस्तों जिसमें निरंतर पाठ्यक्रम के साथ साथ मूल्यांकन किया जाता है, और व्यापक मूल्यांकन भी वही होता है जो निरंतर पाठ्यक्रम के साथ साथ मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन अंतर है दोस्तों, अंतर क्या है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का यदि मूल्यांकन किया जाता है तो उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, और किसी एक पक्ष का यदि मूल्यांकन किया जाए तो उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं शिक्षण सूत्र को लेकर के। आपके एग्जाम में शिक्षण सूत्र भी बहुत पूछे जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, आगमन से निगमन की ओर। इस पे लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी बता दूंगा कहाँ मिलेगी, भी अंत में दोस्तों ये भी बताऊंगा इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। दोस्तों बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों मैं बात करूं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है वह किसने दिया, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत मनोवैज्ञानिक वीने ने दिया है। किसने दिया है? मनोवैज्ञानिक वीने ने एक कारक सिद्धांत दिया है। द्वि कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। और वही दोस्तों यदि मैं बात करूं बहुकारक सिद्धांत की तो ये गार्डनर ने दिया है। गार्डनर जी ने बहुकारक सिद्धांत दिया है। एक सिद्धांत और है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो समूह कारक सिद्धांत की मैं बात करूं तो ये थर्स्टर्न ने दिया है। थर्स्टर्न ने समूह कारक सिद्धांत दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे यदि मैं चलूं तो बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है दोस्तों, एक प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है बुद्धि लब्धि को लेकर के, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। कोई दोस्तों इसमें वैज्ञानिक गिरी नहीं लगती है, पीएचडी नहीं करनी होती इसमें। बहुत सिंपल सा है कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या है कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है, तीनों चीजों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु, वास्तविक आयु। यदि थोड़ी बहुत भी गणित जानते होगे तो बुद्धि लब्धि दे दी जाएगी, मानसिक आयु दे दी जाएगी, तो वास्तविक आयु पूछ दी जाएगी। चलो एक उदाहरण से आपको बताए दे रहे ना। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, बुद्धि लब्धि पूछी गई है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 10/8 × 100। तो 10 का दोस्तों गुणा इसमें हो जाए कितना, 1000 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 8, तो 8 × 1 = 8 बचे कितने, 2, तो कितना हो गया, 20 हो गया, तो 8 × 2 = 16 बचे कितने, 4, तो 8 × 5 = 40। तो यदि कोई बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी, यानी कि वह बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका बुद्धि लब्धि से संबंधित रहा। एक टॉपिक और दोस्तों है जिसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका 30 में 30 का दोस्तों संपूर्ण CDP कवर हो जाएगा, अधिगम नियम। अधिगम नियम तो अधिगम के नियम दोस्तों कौन कौन से होते हैं? अधिगम के तीन मुख्य नियम होते हैं। तीन मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, रेडीनेस, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम और आपका लास्ट बन रहेगा अभ्यास का नियम। तो दोस्तों तत्परता का नियम क्या होता है कि यदि किसी को पढ़ाना है, यदि किसी कक्षा में आप पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले उसको पढ़ाने के लिए तैयार करो, रेडीनेस, इसको कहते हैं रेडीनेस। फिर प्रभाव का नियम, जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ पेपर में आप जा आए कहना विवेक सर ने क्लास ली थी, बिल्कुल फंस गया, आप तुरंत वहां प्रयोग कर दोगे। एक जगह पढ़ाए गए ज्ञान का दूसरी जगह प्रयोग करना, प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम, डेली आपको जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वह अभ्यास का नियम है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपकी पूरी की पूरी क्लास बेहतरीन रही। दोस्तों क्या इसी तरीके से आप EVS की क्लास चाह रहे हैं? क्या इसी तरीके से आप संस्कृत की क्लास और मैथ की और हिंदी की क्लास चाह रहे हैं? ट्रिकी एक क्लास में संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो। दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,
बेल आइकन को प्रेस करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने टारगेट रखा है 100 लाइक्स। 100 लाइक्स होते ही मैं दोस्तों तुरंत ही लेके आऊंगा ईवीएस की क्लास। जैसे ही आप लोग 100 लाइक्स कंप्लीट करेंगे तो मैं ईवीएस की क्लास अपलोड कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथी।